स्टॉप पे पहुंच गया भाई, वही पुराना हाल यहाँ को। बारिश होती रहे थोड़ी थोड़ी देर में, अभी यहाँ फिर बारिश होने लगी। थोड़ी देर पहले तो मौसम साफ हो। अच्छा, ये बाहर से कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नजारा है भाई। बारिश और तेज होगी, क्या बात है भाई, तू बरस ही ले आज, हम तो हिन रह ले, हिन से जानो ठीक रहेगा। एहसान, जब कभी तेरो कोई मौका लगे चील गाड़ी वील गाड़ी माने जाने को, और कोई भाई एक नंबर दो नंबर की हाजत हो जाए ना, खासकर एक नंबर नू मत सोच लियो, कोई ना देख रो कहीं करके नहीं निकल पड़ू, उटावट मोड़ मत समझा कर। तू हर जगह हीन, जगह जगह कैमरा लगा रहा है वहां, तो गांव में से भी पकड़ वाली है, ये बहुत भारी तेज हुई पड़ी है टेक्नोलॉजी, जहां ऐसी कोई दिखा नहीं खोखा सा, इनको सहारा ले लीजिए भाई जब कोई जरूरत पड़ जाए, ठीक है। देख या के भी बाजू बाजू आ रही है, ओ तेरी वाणी से फिसल तो गिर तो गयो, जरूरत ही ऐसी रहे भाई। बारिश बंद होगी भाई, और अब टाइम आ लियो अंदर एंटर होने को। ये यहाँ के बाहर के नज़ारे हैं, जाने भी डिजाइन करो ही बड़ो ही जोरदार कंसेप्ट लेकर डिजाइन करो ना। एयरपोर्ट तो दिल्ली में भी बड़ो है, लेकिन इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ना है। पिछली बार बारिश में खबर आई को एक टर्मिनल को तंबू से गिर पड़ो, हीन तो उम्मीद ना है कि ऐसा कोई हादसा कभी हुए वो, क्योंकि हीन के लोग थोड़े से उतना करप्ट ना है जितना थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इशूज और ये थोड़ी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करा ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। और नूलू देखे तो यून उधर को साइड में कुछ फूड चैन है उनके, अपने काउंटर है, काउंटर क्या पूरा बढ़िया शॉप है। ये टर्मिनल नंबर 1 का एंट्रेंस है यहाँ से भाई, तो एंट्री कर लेनी चाहिए टाइम रहते हुए। मिनट बचाए हैं भाई, बैग वैग बारिश हो बीच तो बस में से मुश्किल से उतर पाए, इतने में तो बारिश तेज चालू होगी। ये पीछे बस टर्मिनल है सारे, वैसे तो ये कुछ एयरपोर्ट के है कुछ ऑफिशियल्स वो रेनकोट और छतरी वतरी लेके लोगों ने ले जा रहे हैं बारिश बीच में के भी, क्योंकि फ्लाइट को जो टाइम है वो बारिश के मारे ना रुके, वो तो उनमें तो टेक ऑफ करना रहे, कहीं कोई सवारी पीछे छूट ना जाए, या हमारे सारे आदमी ने वो ले जा रहे हैं बुला बुला के। तो सबसे पहले काम है ट्रॉली लेने को, और ट्रॉली यहाँ से ना ले, ट्रॉली थोड़ी और आगे जाके लेनी है काउंटर के नज़दीक में जो ट्रॉली रखी है उनमें से। ओ तुम डोकरी का पार मत होने दियो, नेक्स्ट तो बारिश रुकी है। तो जी ये है टर्मिनल नंबर 1 का मेन एंट्री, डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से लेनी रहे है। सामने वाली जो भी ट्रॉली है इनमें से एक ट्रॉली लेके अपना सामान रखूँ मैं, वो रखी वहाँ पे, फिर देखूँगा। अपना वेब चेकिंग तो मैंने वैसे कर रखी है, पर फिर भी काउंटर से ले लूँगा एक बार, और काउंटर के बाहर एक चेकिंग की मशीन लगी रहे। यहाँ से निकलेगा भैया बोर्डिंग पास, पहले मैंने मेरा पीएनआर नंबर लगाया भाई, उसके बाद में ये आया है। तो मेरा 27 भी हाँ ठीक है, परवेज आलम में ही हूँ। उसके बाद क्या कंटिन्यू, नंबर ऑफ बैग चेक इन ठीक है, 15 किलो का है यहाँ पे, ये हो गया। फिर अगेन कंटिन्यू, और भैया मेरे पास कोई बंदूक फंदूक कुछ भी नहीं है, ये भी मैंने कर दिया एक्सेप्ट। और भैया रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, देखो कितना टाइम लगा है। हाँ जी, प्रिंट करना है बोर्डिंग पास है भाई, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, क्या कमाल की टेक्नोलॉजी है। और दुबई में तो सीधे जार खड़ा होना पड़ा है, मेरी फ्लाइट 2 है तो
दो बोर्डिंग पास निकले हैं। तो भैया डीजे यात्रा को ये अलग तो है डिपार्चर, वहाँ से सब अलग एंट्री एकदम वीआईपी की तरह। और यहाँ पे मशीन है, हम सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास की स्कैन करना पड़ा है, वह के बाद में मशीन के सामने खड़ा हुआ छोटो ऊंचो नीचो कद को जैसा आदमी हो, मशीन आप ही ऊपर नीचे हुआ है, कैमरा जब ये जैसा हो रही है नीचे जा रही है। यह होने के बाद में फिर पर रेलवे सिक्योरिटी वाला बैठो है, वालों अपनी आईडी दिखावा और अपना यह दिखावा टिकट है, वो लैपटॉप में हमारा डेटा वर्क पे पहुंच जाए, वह क्लिक कर देवे, फिर एंट्री हो वीआईपी इनकी तरह, फिर कोई लाइन में लगने की कोई ज़रूरत ना है। अभी मेरी एंट्री होगी डिपार्चर यहां से। डीजी यात्रा तो बहुत ही बढ़िया काम की चीज़ है। शायद जब भाई हम जैसे जैसी जगह में जावा सफ़र कर रहा हूँ वैसे ही खर्चा भी हुआ। ऑटो में जावा जब वहाँ आसपास में ढूंढ लें प्याऊ व्याऊ कोई रहे, नलफड़ में से पानी पी लें, थोड़ो और स्टैंडर्ड की जगह हम जावा तो और थोड़े से आदमी जेब ढीली करनी पड़े। पर एयरपोर्ट पर जब आए जेब में छेद करके लावे, ना करके लावे तो ये आप कर दें वहीं, हर चीज़ इतनी महंगी देवा। अभी ये देखो कुछ रिफ्रेशमेंट को कुछ सामान लियो, लेकिन इनके प्राइस नेक्स्ट लेवल पे है भाई। ये यहाँ अंदर आते ही ये फ्लाइट शेड्यूल है, मेरी फ्लाइट है इनमें इंडिगो एक्सू। ठीक है जी, तो पहला काम है चेक इन काउंटर पे जाके, इंडिगो के काउंटर पे जाके अपनों यू पडोसो बैग जमा कर लूँ और कैरी बैग अपने हाथ में लेके फिर चल लूँ, रेडी टू गो इंडिगो। यहाँ पे भैया सबके अलग अलग काउंटर हैं, ये हैदराबाद जाने को काउंटर है, ये मशीन है, यहाँ मैं बैग रखूँगा, बैग को वजन हो जाएगा, कितना वजन है यहाँ लिखवा जाएगा या स्क्रीन पे। वह के बाद में यह एक टैग है, टैग लगाने के बाद बैग ऑटोमेटिक निकल कर वह ट्रॉली में सुपर हिल चला जाएगा, या के तो दर्शन होंगे बस दिल्ली में उतरने के बाद, ना ही हैदराबाद में मिल से देखने को, ना यू ही रखने के बाद कभी मिलेगा। सो ये बैग डिपॉजिट करने को एरिया है। मिल जाना चाहिए मैम, ये मेरा बैग टैग है ना, कहाँ पे मिलेगा वो स्लिप? दिल्ली है, अभी काउंटर पे भी जाना पड़ेगा क्या भैया? ये रिपोर्ट तो दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा एडवांस है। डीजी यात्रा से सफर करने को मतलब वीआईपी कोटा, स्पेशल काउंटर है सिक्योरिटी चेक इन के लिए भी, इतना स्पेशल है, खाली पड़ा है वो, जितना सामान है बैग में सब निकलवा दियो, हो गए परेशान, फिर दोबारा धरो यार जमा के भाई। पहली फ्लाइट मेरी है भाई बेंगलोर से हैदराबाद की, और यह पर लिख रहा है गेट नंबर 25। यहाँ के मैं देख रहा हूँ तो हैदराबाद जाने के लिए जो है फ्लाइट नंबर 6E684 गेट नंबर 2200 है। अगर मैं यहाँ 25 मान के ही जा बैठूँ 25 पे तो मेरे साथ तो पोपट हो जाए, तो फ्लाइट ही निकल जाए। तो बिफोर बोर्डिंग टाइम ये सब चीज़ें आसपास में देख कर चेक करके रखनी चाहिए, इनके कोई तसल्ली ना रहे, लास्ट मोमेंट पे भी चेंज कर दें वहाँ। ये इधर भाई चाय कॉफ़ी, ये सारे चॉकलेट रखे हैं यहाँ, काला जामुन पीला जामुन सारे माल मटेरियल में से निपटा के, ये पनीर शनीर सारे वर्ल्ड क्लास के खाने हैं। इधर कर्ड राइस, सिलेंट्रो ह्यूमस, कैरेट कसम भरी, मैक्सिकन सैलड और ग्रीक सैलड, पूरा फ्रिज भरा पड़ा, कुछ भी पियो जो मर्जी खाओ पियो, एकदम फाइव स्टार जैसा। और उधर चल के दिखाते हैं लॉबी में आपको, मैच चल रहा पड़ेगा।
ये बार है भैया, पीने और पिलाने वालों के लिए जगह है। और खैर मैं तो डोमेस्टिक फ्लाइट में हूँ तो शराब लुत्फ में एलिजिबल ना हूँ इच्छा भी ना है, लेकिन हाँ यहाँ पे है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। इंटरनेशनल फ्लाइट वाले इनको मिला है, इधर मैच मोच चलते रहे यहाँ पर। जब भी कभी बाई एयर ट्रैवल करो तो जो भी अपने एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड रहे वह ले जाके एक बार चेक करो और लॉन्च फैसिलिटी है अवेलेबल है कि ना है। मोस्टली सब पर है वह, अगर लॉन्च फैसिलिटी है तो जी भर के छक्के खाओ, जो मर्जी जितना खाओ, भूखे रहने की कोई ज़रूरत ना है। जब फैसिलिटी है तो वह अवेल करो और ₹2 लगने, बस ₹2 में आप टॉप क्लास का खाना खाओ जी भर के। तो अगली बार जब भी ट्रैवल करो भूल मत जाइयो। लास्ट टाइम जब मैं बैंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से बैंगलोर, तो जाहिर ने बताया कि भाई तेरे पे कार्ड है तो जाके एक बार ट्राई करियो। मेरे पे तो 4-4 कार्ड है, HDFC को पिछले टाइम मैंने यूज़ करो, अब की बार मैंने SIB को है, वापस खाना पीना खाया हुआ, तो बहुत ज़ोरदार सौदा है, एकदम मौज आ जाए। तो यू फैसिलिटी हर हाल में अवेल करनी, भूल ना जानी है जो भी एलिजिबल हो पाए। तो लॉन्च में भाई ये सब खाने पीने को अंदाजा लगाओ कितना खर्चा आया होगा। अभी मुझे जानो गेट नंबर 22 में जल्दी से पहुंचे जाना चाहिए, पर जो भी खाना पीना खाओ, अरे मैच का हो रहा इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया को, लॉन्च में भी वही चल रहा है, वही चल रहा है, वार्नर हर पढ़ पढ़ के चौके मार रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार टीम में ही ना ले रहे हैं, का 6 से वो बॉल फेंक रहा है, एयरपोर्ट वाले भी बावड़े बनाने लग गए दिखे जनता। आगे भैया हमारी फ्लाइट की बस, फाइनली भैया उतार दिए बस से। यू हैव प्लान, यहाँ से जाएंगे हैदराबाद, तो यहाँ से हैदराबाद तक लगभग 1 घंटा 10 मिनट में ही लैंड कर जाएगा। और वो बहुत सारे प्लान आ गए, उधर इंडिगो इको है, इंडिगो को और एयर इंडिया के प्लान भी हैं बहुत सारे। हर आदमी जल्दी से जल्दी चढ़ने की कोशिश में है, जाना तो ऐसा लग रहा है कोई रह ना जाए हमें। थैंक यू। ये है भैया प्लेन का पहिया, टर्बाइन इंजन, कॉकपिट 27 सीट। प्लीज यूज द लाइट इन द पैनल अबव शुड यू विश टू रीड, थैंक यू। हमारी एक्सेल सीट्स शुल्क के साथ उपलब्ध हैं।
कृपया हमारे विमान कर्मी देने पर अपनी रसीद लेना ना भूलें। Our XL seats with extra legroom are available for a charge. लैंड हो गए भैया हैदराबाद में आके। प्लेन में आया हूँ मैं अभी, तो इंजन रन कर रहे हैं कि बंद ना करें दोनों। लोग इंतजार कर रहे हैं बस आने का। ये हैदराबाद का एयरपोर्ट लंबाई में ज्यादा है, एकदम आई सेक्शन में है दोनों साइड। यहाँ के वहाँ गेट नंबर डिपार्चर के, लेकिन लंबाई में बहुत लंबा है। सो 101 से 124 तक उधर है। मेरी फ्लाइट जो है वो गेट नंबर 6 से जाएगी। यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है, अभी बेंगलोर की फ़्लाइट से मैं यहाँ आया हूँ, बेंगलोर से हैदराबाद। अब हैदराबाद से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट सुबह 5 बजे की दिल्ली की रहेगी। फ्लाइट नंबर 6E6076 की बोर्डिंग शुरू हो गई है, और भैया मैंने भी यही फ्लाइट से जाना है। ये लॉबी सीधे खुलेगी एयरप्लेन में जाने। So please settle in while we make your journey safe and comfortable. As your travel companion, it's simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. हैंडलिंग एरिया है, इतने हमने बस छोड़ के ना गई है प्लान में। हुआ से पहले तो बैग आन लग गया है। ओहो, दूसरी साइड में है।
से निकलते हैं पीछे, इधर मेट्रो स्टेशन है टर्मिनल 3, तो ये बहुत सही है, दोनों इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, टैक्सी में ज़्यादा पैसा देने कोई जरूरत ना है यहाँ पर।